लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पद्मभूषण कवि गोपाल दास की भविष्यवाणी तब भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय थी और आज भी है। आखिर नीरज को कैसे पता था अटल की मृत्यु के दिन के बारे में? हर किसी के जेहन में बस यही सवाल उठ रहा है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और गोपाल दास नीरज के बीच आत्मा से जुड़ा ऐसा क्या गहरा संबंध था कि 2 साल पहले ही नीरज ने अटल की मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नीरज की भविष्यवाणी अटल साबित होगी। ग्रहों का ऐसा योग है कि मेरी मृत्यु के 30 दिन के भीतर आपको भी संसार से विदा लेनी होगी अटल जी। कभी यह शब्द पद्मभूषण गोपाल दास नीरज ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कहे थे। नीरज की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। नीरज का निधन 19 जुलाई को हुआ, जबकि ठीक 28 दिन बाद ही 16 अगस्त को वाजपेयी भी चिरनिद्रा में चले गए। अटल के साथ कवि सम्मेलन के कई मंच साझा करने वाले नीरज कानपुर के डीएवी कॉलेज में अटल के बराबर वाले कमरे में ही रहते थे। सक्रिय राजनीति के दिनों में अटल ने विभिन्न अवसरों पर कई पत्र नीरज को लिखे। अब इन पत्रों को उनके बेटे मिलन प्रभात गंगजन ने संभाल कर रखा है। मिलन प्रभात गंगजन कहते हैं कि जब पिताजी को पद्मश्री सम्मान मिला तो अटल जी ने पत्र लिखकर बधाई भेजी। इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस वक्त पिताजी ने अटल से कहा था कि वक्त आपके लिए स्थायी नहीं है, यह सरकार नहीं चलेगी, जल्द ही आपको पद छोड़ना होगा, आगे फिर अवसर मिलेगा। उनकी सरकार 13 दिन ही चली, बाद में 13 महीने की सरकार चली। इसके बाद एक पूर्ण कार्यकाल वाली सरकार का नेतृत्व वाजपेयी ने किया। मिलन प्रभात गंगजन कहते हैं, पिताजी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान था। अटल जी और पिताजी के जन्म में 10 दिन का ही अंतर था।